ये वीडियो मैं लैब में बैठ के बना रहा हूँ। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर CSIR कब होगा, और ये CSIR के एग्ज़ाम के बारे में, मतलब जिस तरीके से पूरा का पूरा CSIR अथॉरिटी है, या NTA अथॉरिटी है, या UGC नेट की अथॉरिटी है, जिस तरीके से चुप्पी साधी है इस टॉपिक पे, ऐसा लग रहा है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले ही नहीं हैं। कोई भी एक प्रॉपर तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। नो नोटिफिकेशन, नो एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि अब से फॉर्म स्टार्ट होगा, अब से एग्ज़ाम होगा। खिलवाड़ कर रहे हैं एक्चुअली फीलिंग्स के साथ। आपको क्या लगता है कि बच्चे जो है ऐसे बैठे रहेंगे, या चीज़ें जो ऐसे चुप रहेंगी, कब तक रहेगा? सारे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। कोविड पैंडेमिक सिर्फ और सिर्फ CSIR के लिए हो रखा है, और जितने भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है जितना ज़्यादा पहुंचा सकते हैं लोगों तक वो पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ CSIR को मैसेज देने के लिए नहीं है, ये आपको मैसेज देने के लिए है कि अगर आप ही नहीं आए तो ये एग्ज़ाम या ये सारी जो लेजीनेस है या जो भी ये अंदर चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि महाभारत में कहा गया था, महाभारत में कर्ण की गलती बहुत ज़्यादा नहीं थी, भीष्म पितामह की गलती नहीं थी। क्या गलती थी? कि उन्होंने गलती सही थी, इसी वजह से उन्हें सजा मिली थी। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उन्होंने गलत होते हुए देखा था। तो गलत होते हुए देखना भी, गलत को सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, और ये गलत अभी आप लोगों के साथ हो रहा है। हम इसको कब तक सहते रहेंगे, कब तक इसको ले जाते रहेंगे, कब तक हम ये चुप मार के बैठे रहेंगे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा? बहुत बड़ा सवाल है। हम एक साल से चुप हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ CSIR नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है लाइफ साइंस के फील्ड में, वो है CSIR। फेलोशिप आपको CSIR की वजह से मैक्सिमली मिलती है, और CSIR वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PhD के लिए, PhD के फेलोशिप के लिए जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस एंड अदर साइंस फील्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी तक बुद्धि नहीं खुली लोगों की, अभी तक दिमाग नहीं खुला। कोविड पैंडेमिक के बाद भी आखिर वैक्सीन किसने बनाई? सोशल साइंस के स्टूडेंट ने, या किसी इंजीनियर ने बना के बैठ, और लाइफ साइंस के स्टूडेंट ही थे, या वहाँ पे जो हेल्थ केयर के स्टूडेंट ही थे जो इन्वॉल्व हो रहे थे स्पेसिफिकली इन सब कंडीशंस में? आगे कोई भी पैंडेमिक आएगा, कोई भी ड्रग्स आते हैं, कोई भी रिसर्च आता है, कौन उनके पीछे या कौन काम करता है? ऑब्वियसली बात है, इतने सारे साइंटिस्ट, जितने सारे ड्रग्स और जितनी सारी चीज़ें चलती हैं उनके पीछे आपके पूरे के पूरे साइंटिस्ट काम करते हैं। लेकिन ये डेवलपिंग फील्ड, हमारा बायोटेक्नोलॉजी, हमारा लाइफ साइंस 10 साल पहले भी डेवलपिंग था, 10 साल बाद भी डेवलपिंग है, और 10 साल बाद भी डेवलपिंग रहेगा। पहले भी डेवलपिंग था, आज भी है, और कल भी रहेगा। क्या है मतलब डेवलपिंग? इसी वजह से आप ना तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाह रही है, ना ही अथॉरिटी कोई जवाब दे रही है। गवर्नमेंट को तो मुझे नहीं पता कि आखिर उनके पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट लोग बैठते होंगे मीटिंग में क्या सोचते होंगे। यार बच्चों का मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है कोई, कि वो कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं। क्या है, बस फंड नहीं है? क्यों नहीं है भाई फंड? कहाँ गया सारा फंड गवर्नमेंट का चला गया पॉलिटिकल चीज़ों में? जो ग्रांट है वो गए कहाँ, फंड गए कहाँ? एक साल, पिछली बार भी एक बार एग्जाम कंडक्ट किया, एक बार का तो खा गए, इस बार भी एक साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सारे फंड? भाई बचा के क्या करोगे? सारा का सारा जो है मूर्तियां बनवाने में या मंदिर बनवाने में सारा पैसा यूज होगा, रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लर्नर्स या जितने भी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और एग्ज़ाम आना चाहिए। कई सारे लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया, कई सारे चीज़ों ने काम किया, लेकिन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? मैं पिछले 3-4 मिनट से यही बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा? और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे जैसे लोगों से आगे आने से नहीं होगा, या जितने भी एजुकेटर्स मेरी यूट्यूब पे वीडियो बना लेने से, या किसी के भी यूट्यूब पे वीडियो बना लेने से नहीं होने वाला। सोल्यूशन तब निकलेगा जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे। इतने दिन से बैठे हुए हैं,
क्योंकि हमें चुप्पी नहीं साधनी है, हमने बहुत दिनों तक चुप्पी साधी है। और अगेंस्ट का मतलब है आपको सिर्फ सवाल पूछना है कि आखिर एग्जाम कब होगा, और ये सवाल जो है आपको ट्वीट के जरिए नहीं पूछना है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला सीएसआईआर का। सीएसआईआर या एनटीए की वेबसाइट पर जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितना भी मेल आईडी दिया हुआ है, जितने भी लर्नर्स वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे एक डेट डिसाइड करिए, दैट इज 14th of November, चिल्ड्रंस डे है उस दिन, और अपनी पर्टिकुलर चिल्ड्रंस डे पे एक बालक की तरीके से अपने जिद पे ये मांगिए, ये जवाब मांगिए कि आखिर एग्जाम कब होगा। पूरे मेल आईडी पे मेल की बाढ़ लगा दीजिए, कॉल्स की बाढ़ लगा दीजिए चिल्ड्रंस डे वाले दिन, मेल करिए उनको, मेल कंसिस्टेंट मेल करते रहिए पूरे दिन, और एक हफ्ते तक जब तक रिप्लाई नहीं आता है डेली, सारे के सारे लर्नर्स अगर एक एक मेल भेजते हैं, अगर लाइफ साइंस में 80,000 के आसपास एस्पिरेंट्स है, अगर वो 80,000 एस्पिरेंट्स अगर मेल भेजेंगे ना, तो पूरा पूरा सिस्टम जो है वो जरूर जवाब देगा। अगर आप उतने कॉल्स करते हैं, अगर 14th of November को आई थिंक संडे है, तो आप मंडे को कॉल कर सकते हैं, मे बी संडे को कॉल ना हो जाए या रिसीव ना करें क्योंकि ऑफिशियल हॉलीडे होती है, तो आप मंडे को लगा सकते हैं। लेकिन 14 से लेके उसके अगले वीक तक, एक वीक तक पूरा का पूरा कंसिस्टेंट जो है पीछे पड़ जाइए सीएसआईआर और एनटीए के, कैसे नहीं जवाब मिलेगा, पढ़िए पीछे, मेल्स करते रहिए कंसिस्टेंटली, कॉल करते रहिए कंसिस्टेंटली, और कुछ नहीं, सिर्फ जवाब मांगना है आखिर सीएसआईआर कब होगा। ट्वीट्स एंड ऑल के जरिए सीएसआईआर के कानों में जू नहीं रेंगने वाली है, उनको जब तक उनके पास कॉल और मेल का भंडार नहीं जाएगा, उनके पास वो चीज़ नहीं आने वाली है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं इस प्रॉब्लम पर चीज़ें बात नहीं करने वाला हूँ क्या और कब कैसे, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं, ये सारे के सारे लर्नर्स जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जितने भी लर्नर्स हैं वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अगर आप सब मिल के जिम्मेदारी उठाएंगे और आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको एकजुट होकर काम करना है, यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म कोई वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जवाब मांगना है आखिर सीएसआईआर कब होगा। सिर्फ ट्वीट के जरिए नोटिफिकेशंस नहीं आते, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन कहाँ है, क्या है डेट्स, कैसे पता चलेगा, और ये तभी पता चलेगा जब आप सीएसआईआर के नाक में दम कर देंगे। सो याद रखिए डेट 14th of November, पूरे के पूरे सीएसआईआर मेल आईडी और सीएसआईआर के नंबर पे जी तोड़ करके इतने मेल्स और इतने कॉल्स करिए कि वो परेशान हो जाए और खुद आपको जवाब दे कि आखिर सीएसआईआर का नोटिफिकेशन कब आएगा, डेट्स का नोटिफिकेशन कब आएगा, या कोई भी नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप अपने तरीके से अपना फुल एफर्ट करेंगे। डेट याद रखे रहिए और चलिए मिल के शुरू करते हैं इस अभियान को और लेके आते हैं नोटिफिकेशन को बहुत जल्दी कि आखिर नोटिफिकेशन कहाँ पे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर मुहिम में साथ रहेंगे और मिलके हम सीएसआईआर से नोटिफिकेशन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी लेके आते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट। एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ा तो सही, मंजिल खुद तुझे आवाज दे, जब लगने लगे तकदीर साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत ही साथ दे। अगर आपका भी सपना है आईआईटी तो जुड़िए ई लर्नन के स्मार्ट कोर्स के साथ जो कि लॉन्च हो रहा है 1st of November से। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यूज द कोड EL20 टू गेट द 20% डिस्काउंट। सब्सक्राइब नाउ।